गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ में इस क्लास के पहले हम लोग चैप्टर नंबर टू उसी को सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर नंबर टू में एक्सरसाइज नंबर 2.2 तक हम लोगों का हो चुका था, सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 इसी को देखेंगे। अभी नंबर नोटेशन ही आप लोगों का चल रहा है, संख्या पद्धति आप लोगों का चल रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है राइट द पीरियड एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। ये नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर के में एक नंबर है 5, उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो अंडरलाइन क्या करना है, प्लेस वैल्यू एंड पीरियड। इस नंबर का प्लेस वैल्यू भी लिखना है और पीरियड भी लिखना है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान लिखना है। इससे पहले वाली क्लास में आप लोग फोर्थ में थर्ड में प्लेस वैल्यू पढ़ लिए होंगे। पीरियड और प्लेस वैल्यू जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड, हमारी अंडरलाइन डिजिट है 5, तो द पीरियड ऑफ 5। जैसे कि नंबर नोटेशन में हमने बताया था वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इसके आगे लिखने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारा डिजिट है 5, जिसका वैल्यू हमको पता लगाना है वो किस प्लेस पे है, वो 100 प्लेस पे है। तो द पीरियड ऑफ 5, तो जो पीरियड है 5 का वो कहां पे है, 100 पे है, तो वो हो जाएगा 100। उसके बाद प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू, अब देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे यही तीनों डिजिट पहले लीजिए 5, 4, 6, हमें किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 5 का निकालना है। तो सबसे पहले 1, 10, 100, फिर 5 का प्लेस वैल्यू यानी 5, और फिर 1, और पीरियड क्या है इसका 100 है, यानी डबल जीरो, तो ये हो जाएगा 500। ऐसे हम लोग निकालते हैं प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पीरियड एंड प्लेस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिजिट ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इज, प्लेस वैल्यू इज 100, सॉरी प्लेस वैल्यू इज 500 एंड पीरियड इज 5। नेक्स्ट इसी में का क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो हम लोगों का वैल्यू दिया है वो है 4, 6, 2, 6, फिर 4, 6, फिर 2, 0, 9। इसमें जो अंडरलाइन डिजिट है वो है 4। अब इसका पीरियड क्या होगा, फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़। तो जो इसमें अंडरलाइन डिजिट है 4, उसका पीरियड हो जाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crore। तो जो हमारा पीरियड होगा वो क्या होगा, 10 करोड़। द पीरियड ऑफ 4 इज 10 करोड़। फिर प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, फिर 4 लिखेंगे और 4 के बाद जितने डिजिट है उतने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crore, यानी इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 40 करोड़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी हमने आपको बता दिया, इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट में सी डी ई एफ है, ये आप लोग खुद करिएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा या ग्रुप में भेज दीजिएगा लिख के, फिर आप लोगों को समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है राइट द फेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ ईच डिजिट, जो भी डिजिट दिए गए हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं उसमें जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं, सब डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। आगे टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है 3, 4, 5, 2, 8, 6, 7, जितने भी नंबर दिए हैं सारे नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है। फिर वही सिस्टम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, टेन लैक्स। अब अगर वंस हमारी वैल्यू प्लेस वैल्यू सेवन का निकालना है, सेवन का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस यानी सेवन में सिर्फ और सिर्फ वन से मल्टीप्लाई होगा सेवन, सिक्स का, सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या है टेन यानी सिक्सटीन, फिर एट की प्लेस वैल्यू हंड्रेड है एट हंड्रेड, टू की प्लेस वैल्यू थाउजेंड है टू थाउजेंड, उसी तरह फाइव का टेन थाउजेंड है, इसी तरह फोर का लैक है एंड थ्री का टेन लैक है। अब जैसे 34,52,867 ये वैल्यू दिया गया था और इसमें ये कह रहा था जो भी डिजिट है सबका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, सेवन का प्लेस वैल्यू क्योंकि सेवन वंस के जगह पे है तो सेवन इज वन, सिक्स टेंस की जगह पे सिक्स इंटू टेन, एट हंड्रेड की जगह पे एट इंटू हंड्रेड, फिर टू थाउजेंड की जगह पे टू इंटू थाउजेंड, फाइव टेन थाउजेंड की जगह पे फाइव इंटू टेन थाउजेंड, फोर लैक्स की जगह पे। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा इसमें, फोर इंटू वन लैक, फोर इंटू वन लैक इक्वल टू फोर लाख, उसके बाद थ्री टेन लाख की जगह पे थ्री इंटू टेन लाख इज इक्वल टू 30 लाख। क्वेश्चन नंबर टू में ए बी सी है, प्लेस वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये आप लोग पहले की क्लास में पढ़े होंगे इस वजह से इसका पूरा डिटेल नहीं बता रहा है। आप लोग एक बार अपने आप से कोशिश करिएगा और आप लोगों से हो जाएगा। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा कि कैसे प्लेस वैल्यू निकाला जाता है, यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू निकाल के भी दिखा दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर टू खुद से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू फोर्स इन 2649 2548। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि हम डिफरेंस मतलब अंतर, कि हमको अंतर निकालना है बिटवीन द प्लेस वैल्यू, जो नंबर दिए गए हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसी के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो द टू फोर, इस जो डिजिट जो नंबर दिया है इसमें फोर दो जगह आया है, एक फोर ये और एक फोर ये, तो इन दोनों फोर का प्लेस वैल्यू निकाल के, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद इनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू के लिए सेम प्रोसेस, मंथ्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स एंड टेन लैक्स। तो इस फोर का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 400 और इस फोर
प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10 लाख का है यानी 14 लाख। ये हो गया 14 लाख। प्लेस वैल्यू दोनों डिजिट की निकल गई, अब डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस इज इक्वल टू 14 लाख माइनस 400, जीरो जीरो 10 यानी 6, फिर 9, फिर 9, फिर 3। तो जो डिफरेंस आया हुआ हमारा वो आया 39,99,600। तो ये जो 400 था और ये जो प्लेस वैल्यू 14 लाख और 400 के बीच का जो डिफरेंस हमारा आया वो आया 39,99,600। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप आज आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा और याद रखिए जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको सॉल्व करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजना है। जो भी स्टूडेंट नहीं भेजेगा उसके घर पे हम फोन किया जाएगा ताकि पता चले वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक सॉल्व किए हैं उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड करिएगा। यहाँ से हम लोग चेक करके उसको फिर आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे क्या गलतियाँ हैं, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू रखना इस पीरियड में बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्या हो सकती है, आप लोग भूल भी सकते हैं। और एक और काम करिएगा, टेबल 1 से लेकर 20 तक टेबल आप लोग लर्न करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।